नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे, मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीए न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ट्रक की चपेट में आया ऑटो, 8 की मौत, 3 घायल। बड़ी संख्या में जन सुनवाई में पहुंचे लोग। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू विवाद पहुंचा दमो। हिंदू जागरण मंच ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। दमो के मूक बधिर विद्यालय पहुंचकर किया फल वितरण। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों के क्रम विस्तार से खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे आज की बड़ी खबर की। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर एक हादसा हुआ जहां पर ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 घायल हैं। दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर आज दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जहां ट्रक ने एक ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जाता है काफी तेज रफ्तार ये ट्रक था। ट्रक का जो चालक था वह अत्यधिक नशे में था जिसके चलते वह आगे चल रहे ऑटो को नहीं देख पाया और ऑटो के ऊपर ट्रक चढ़ गया। जैसे ही ऑटो ट्रक के ऊपर चढ़ा उसके बाद चीख पुकार सुनाई देने लगी। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे। बताया जाता है पुलिस को मामले की जानकारी लगी, पुलिस भी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं दमोह पुलिस अधीक्षक सुदकीर्ति सोमवंशी भी मौके पर पहुंचे। जेसीबी एवं हाइड्रा की व्यवस्था की गई। बताया जाता है कि चौहान क्रेन सर्विस वालों के द्वारा तत्कालीन हाइड्रा हमारे आगरा पे मौके पर पहुंचाया गया जहां ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकालने में हाइड्रा के माध्यम से बड़ी मदद मिली। नीचे जो लोग दबे हुए थे ट्रक के उन्हें बाहर निकाला गया। तत्काल ही एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक सुदकीर्ति सोमवंशी स्वयं रेस्क्यू ऑपरेशन के समय यहाँ पर मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और घायलों को अस्पताल तक पहुँचाया गया। उनका कहना है कि घायलों की स्थिति को देखते हुए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो भी गंभीर घायल होंगे उन्हें जबलपुर पहुंचाया जाएगा। उनकी प्राथमिकता यह है कि सर्वप्रथम जो भी घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, उनकी जान बचाने के प्रयास किए जाएं। इस घटनाक्रम में खास बात यह है कि किसी को कोई जानकारी नहीं है अभी तक ये जो घायल है वह कहाँ के हैं। घायलों के मोबाइल मिले हैं जिससे लगातार उनके परिवार से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही ये प्रयास हो जाएगा। 5 से 6 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर हैं, लगातार मदद करते हुए लोग नजर आई। ये ट्रक का नंबर है जो आप देख रहे हैं, MP34ZC5374। इसके अलावा हम ऑटो का नंबर भी आपको दिखा देते हैं। ये जो ऑटो है इसका नंबर है MP34R2692। दोनों ही ये गाड़ियाँ जो है वो दमों की हैं, चाहे ऑटो की बात की जाए चाहे ट्रक की बात की जाए। जल्द ही इस मामले की जानकारी लग जाएगी कि कौन ऑटो रिक्शा चालक था, किस तरह से पूरा हादसा हुआ। इस संबंध में हमने दमोह पुलिस अधीक्षक सुदकीर्ति सोमवंशी एवं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर से चर्चा की।
सर एक हादसा हुआ है सर, बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यजनक हादसा हुआ है यहाँ पर समन्ना पे, और वो जो रिक्शा है वो पूरी तरह से जो है कुचल गया है, और उसमें बैठे जो लोग थे, जो हमारा अंदाजा है लगभग 8 से 9 लोग उसमें थे, और सभी को जो है यहाँ से एम्बुलेंस से पहुँचा दिया गया है। कुछ लोगों की, मुझे लगता है 4 से 5 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, बाकी लोगों का अस्पताल में इलाज चालू हो गया है। 4 लोगों को सिर में चोट आई है थे, और सिर में उनके टांके वगैरह लग रहे हैं अभी, और यदि ऐसी स्थिति बनेगी तो हम लोग तत्काल अस्पताल के लिए रवाना हो रहे हैं, और लोगों को तुरंत जो है रवाना किया जाएगा जबलपुर या जहां भी सागर रेफर करेंगे, उनके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है ताकि जितना जल्दी हो जाए उनके परिजन भी से संपर्क हो जाए और वो भी साथ में चले जाए। अभी पता चला है सर कहां के हैं ऑटो? जी अभी अब हम लोग, हमारी टीम पता लगा रही है कि कहां से आए हैं। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि उनके परिवारजनों से तुरंत संपर्क करें, वो लोग कर रहे हैं, जब तक हम लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं तब तक वो संपर्क हो जाएगी, और हम आगे अभी हमारा पहला टारगेट है कि वो बच जाए, जो घायल हैं उनकी बचाना सबसे पहला उद्देश्य। मन्ना के पास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक मालवाहक लोडर जो ट्रक है उसके नीचे एक ऑटो आ गया है। ऑटो में सवार 7 से 8 लोगों की संख्या है, जिनको अभी हमने हॉस्पिटल रेफर किया है। हमारे सामने हमने भी कुछ लोगों को उसमें से निकाला है जो उसमें फंसे हुए थे। कुछ लोगों को पहले यहाँ के जो लोग यहाँ पर मौजूद थे राहगीर, उन्होंने निकाल के हॉस्पिटल भिजवाया है। टोटल संख्या अभी हॉस्पिटल पहुंचने के बाद कंफर्म होगी, उसमें कितने लोग हताहत हैं, कितने घायल हैं। हमारा प्रयास ये है कि अधिक से लोगों को उसमें बचाया जा सके, और SDRF की टीम यहाँ मौजूद है। ट्रक चालक जो है वो भी चोटिल है, उसको भी हॉस्पिटल हमने पहुंचा दिया है। अगला काम यह है कि हॉस्पिटल पहुंच के इनकी हालत देखी जाए, और उनको वहां से रिफर करना है, तो उसके लिए जल्दी जल्दी एम्बुलेंस की उपलब्ध कराई जाए और उनको वहां पहुंचाया जाए। सर अभी संख्यात्मक रूप से बताना मुश्किल होगा, लेकिन 5 से 6 तो कंफर्म बता रहे हैं सर लोग, अभी हम वो हॉस्पिटल जाके कंफर्म कर पाएंगे। सर इनकी पहचान हुई है सर, कहां के हैं सर ये ऑटो चालक? नहीं अभी तो कोई भी व्यक्ति बताने की हालत में नहीं है उसमें कि वो कहां से आए और कहां जा रहे हैं। लोकल लोग भी उनको कोई पहचान नहीं पा रहे हैं कहां के हैं। जो उनके पास ये मोबाइल बरामद हुए हैं उनके परिजनों को हम लोग फोन करके पता कर रहे हैं, अगले आधे घंटे में हम क्लियर कर लेंगे कहां के रहने वाले हैं। अभी इस संबंध में कुछ पता नहीं है, चालक का मेडिकल होगा तो क्लियर हो पाएगा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। दमो कटनी स्टेट हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें ट्रक ने ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर दमो कलेक्टर सुधीर कुमार कुशर, पुलिस अधीक्षक दमो सुदकीर्ति सोमवंशी के अलावा सागर संभाग कमिश्नर एवं IGP दमो जिला अस्पताल पहुंचे, घटनाक्रम के संबंध में जानकारी ली। घायलों के संबंध में उनके द्वारा जानकारी ली गई, बाद में वे मीडिया से भी मुखातिब हुए। साथ ही दमो कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी इस घटनाक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। ये पता चलिए, हाँ ये बड़ा दुखद हादसा है, तो किया है तो घायल घायल को जो कलेक्टर और एसपी साहब ने मिलने दिया, बात कर ली आई जी साहब ने, आई जी साहब से बात करी, उसका इलाज किया। सर कितने लोगों की मौत हुई एग्जैक्ट? 7 लोगों की, इसे बताया गया 7 लोगों। सर क्या इनको गवर्नमेंट की तरफ से भी आके मगर मृतक के परिजनों को? अब जो भी सहायता है हम शासन के जो संतुलन है शायद उससे कितनी उनके परिजनों को। जो अभी तक जानकारी सामने आई है उसके अनुसार दमोह के शोभा नगर से, दमोह प्रॉपर से गुप्ता परिवार के ही एक ऑटो चालक हैं, और इसी प्रकार से संयोग से जो साथ में जाने वाले लोग भी हैं वो भी गुप्ता परिवार के हैं, और ये लोग सभी बांदकपुर के दर्शन के लिए जा रहे थे जो बताया गया, और रास्ते में बड़े लोडर ट्रक के साथ इनकी भिड़ंत हुई। ये भी बताया गया है कि जो लोडर ट्रक का जो चालक है वो शराब पी करके वाहन चला रहा था, ऐसा पता चला है। अभी उनका मेडिकल वगैरह होगा तो पुष्टि हो जाएगी कि क्या है। और ये टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि वो जो पूरा ऑटो रिक्शा है वो पूरा ट्रक के जो सामने वाला बोनट है उसके नीचे फंस गया, और वहाँ के जो उस समय राहगीर थे, बाकी के मदद करने वाले लोग थे, उनकी मदद से और हम लोगों ने कटर के माध्यम से, हाइड्रा के माध्यम से, क्रेन के माध्यम से इसको लोगों को निकालने का प्रयास सभी लोगों ने मिलकर किया, और पूरे इसमें कुल 10 लोग इसमें सवार थे, जिसमें से
सात लोगों का जो है दुखद निधन हुआ है और तीन लोग जो है घायल हैं, उसमें से दो लोग गंभीर घायल हैं और एक स्टेबल है। तीनों को एक पुलिस प्रशासन के पायलट फॉलो के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए जबलपुर के लिए रवाना किया गया है। इसमें पुलिस के अधिकारी, राजस्व के अधिकारी और मेडिकल के तीनों के लोगों को साथ में इनके भेजा गया है ताकि रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। आगे जबलपुर से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इनका इलाज जितना जल्दी वहाँ पर शुरू हो सके वो हो जाए। तो ट्रक ड्राइवर किस तरीके? ट्रक ड्राइवर ठीक है, अभी उसका मेडिकल टेस्ट होना है। आज एक तमन्ना के पास वहाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक मालवाहक ट्रक में एक ऑटो जो है वो उसके नीचे आ गया और उसमें सवार लोगों की संख्या 10 बताई जा रही है, जिसमें से सात लोग जो हैं वो घोषित हो चुके हैं, तीन लोग उसमें घायल हैं जिनका प्राथमिक उपचार यहाँ जिला अस्पताल में किया गया है। उनको हम लोगों ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहाँ मेडिकल कॉलेज में भी हमारा लाइजनिंग हो चुकी है, डॉक्टर्स उनका वेट कर रहे हैं। हमने यहाँ से जबलपुर के बीच में कॉरिडोर बनाया है, पायलट फॉलो की व्यवस्था की है। जबलपुर की पुलिस भी अपनी सीमा पर तैनात है, उनको वहाँ से रिसीव करेगी। हम होपफुल हैं कि हम तीनों लोगों को बचा लेंगे। ड्राइवर जो है वो पुलिस कस्टडी में है, उसका मेडिकल अभी करना बाकी है। उसकी मेडिकल से ये क्लियर होगा कि जो एलिगेशंस हैं कि वो नशे में था क्या नहीं था, तो वो क्लियर हो पाएगा। मौके पर भी जो टायर के मार्क्स बने हैं, एक्सीडेंट का जो कोलिजन का इन्वेस्टिगेशन है हमारी टीम कर रही है, थोड़ी देर में हम ये क्लियर कर पाएंगे कि इसमें किन कारणों की वजह से एक्सीडेंट हुआ है और गलती किसकी है, उसको क्लियर किया जाएगा। इस घटनाक्रम की जानकारी दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी को भी लगी। उनके द्वारा पहले घटनास्थल का मुआयना किया गया, उसके बाद दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था कराई। यहां पर दमोह कलेक्टर, दमोह पुलिस अधीक्षक एवं सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा जो प्रयास किए गए, उसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को जबलपुर पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच एक व्यक्ति की और मौत हो गई। बताया जाता महिला गीताबाई ने दम तोड़ दिया। घायलों के संबंध में हम आपको बता दें कि दमोह के शोभानगर निवासी जो गुप्ता परिवार है उसके सदस्यों की मौत हुई है। कुम्हारी सांझी पुत्री राजेश गुप्ता 12 वर्ष, होरीलाल गुप्ता जो कि बिलासपुर के निवासी उनकी मौत हुई है। राजेश पिता रामचरण गुप्ता की मौत हुई है। वहीं गायत्री पति राकेश गुप्ता की मौत हुई है। आलोक पिता मुन्नालाल गुप्ता की मौत हुई है। शिवा पिता राजेश गुप्ता की मौत हुई है। महेंद्र पिता राकेश गुप्ता की मौत हुई है। दमोह सांसद के द्वारा दुख व्यक्त किया गया। अभी प्रारंभिक रूप से मैं कुमारी में था, अभी रास्ते में आया, बड़ी दुखद घटना है और शब्द नहीं है क्योंकि जिस प्रकार से ऑटो उस हाईवा 14 या 16 चक्का होगा तो मैं खुद देख के आया हूँ। और अभी सात व्यक्ति जो शांत हो गए और तीन लोग जो है उनको एम्बुलेंस से और पूरा ग्रीन जो कॉरिडोर बनाते पुलिस पायलट के साथ यहाँ से भेजा है। अभी कलेक्टर दमोह और कलेक्टर जबलपुर दोनों से कोऑर्डिनेट करा दिया गया है, जिससे तत्काल जबलपुर जब पहुंचे तो मेडिकल कॉलेज में उनको वो तत्काल इलाज वहां पे मिल जाए। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अधिक मात्रा में बैठ के जा रहे हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें क्या मानते हैं आप, इसकी गलती? ड्राइवर अभी पकड़ा गया, अभी SP से बात हुई है और उसका अभी टेस्ट कराते हैं, अगर वो शराब पिए हुए पाया जाता है तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी जो कानून होगी। और आपके चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करता हूँ, चाहे हमारे ड्राइवर जो गाड़ियाँ चालक हैं जो बड़े चलाते हैं या छोटे चलाते हैं, कि नियंत्रित होकर संयमित होकर हम चलाएं, क्योंकि सात लोग जो मृत हो गए निश्चित ही किसी के परिवार के हैं। अब बहुत से लोग तो स्पॉट पर पहुँच नहीं पाए, पर जो स्पॉट पर वहाँ पहुँचा और वहाँ जाके जो अवशेष जो देखेंगे शरीर के लिए, तो वास्तव में हृदय घबरा जाएगा। तो प्रभु से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और सभी से आग्रह है कि वाहन को जो है नियमित स्पीड से अपन चलाएं, क्योंकि सबके परिवार में किसी न किसी की कहीं ना कहीं जवाबदारी है अलग अलग। जरूरत से ज्यादा सवारी ढोई जा रही है, इसमें प्रशासन की भी एक बहुत बड़ी निश्चित ही इसमें भी मापदंड तय करेंगे और ये देखेंगे। अभी आज वर्तमान जो परिस्थिति इसके बाद ये देखेंगे ऑटो चालक जो जबरन सवारी चला रहे भर रहे हैं, बस वाले और ट्रक वाले, इन पे RTO के माध्यम से SP के माध्यम से ये बैठक करके इसको निश्चित करेंगे कि कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो विधिवत और सुचारू हो जाए पूरे जिले के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा उन लोगों के लिए कि
कई बार बहुत से लोग हम लोगों को फोन लगाने लगते हैं कि जबलपुर नाका पर यहाँ वहाँ ट्रैफिक की जांच चल रही है, ट्रैफिक पुलिस लगी है। इस प्रकार की घटनाएं बच जाए, इस प्रकार के एक्सीडेंट बच जाए, इसलिए पुलिस सतर्कता से काम करती है। तो हम हेलमेट पहने और गाड़ी के कागज रखें और संयमित स्पीड से हम गाड़ी चलाएं और जो भी चालान बढ़ता जुर्माना हम भरें और पुलिस का सहयोग यदि करेंगे तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेंगी। संजय सरवरिया, लखनी से न्यूज़। दमोह जिले के सहरा से एक मामला सामने आया जहां पर एक व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है तत्काल ही पानी में डूबने वाले व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया, उसे दमोह जिला अस्पताल लाया गया जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया है। परिवार के लोग कहते हैं कि उसे तैरना नहीं आता था। भैया क्या नाम है आपका? हमारा राहुल सिंह। राहुल सिंह कहाँ के रहने वाले हो? सहरा। ये कौन है आपके? हमारे बड़े भाई। क्या नाम है इनका? हरी सिंह। क्या हो गया इन्हें, क्या कर रहे थे? नीचे गिरे, नहाने गए। तैरना नहीं आता था? तैरना नहीं आता था। कहाँ की घटना है? सहरा। सहरा नदिया में दिया है? नरवा है, नाला। नहाने गए थे? क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसान है। पुलिस के द्वारा मार्ग कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकड़ी से। तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद वितरित होता है उसमें फिश ऑयल मिले होने की लगातार खबरें आ रही हैं, जिसके बाद कई तरह की जांचें भी प्रारंभ हो गई। वहीं संपूर्ण देश में इसका विरोध किया जा रहा है। आज हिंदू जागरण मंच दमोह के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। हिंदू जागरण मंच का कहना है कि जिस तरह से यह कृत्य किया गया है उसे माफ नहीं किया जा सकता और उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके द्वारा यह कृत्य किया गया। जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन। बालाजी मंदिर में जो सनातन धर्म विरोधियों ने जो षड्यंत्र रचा है, इसमें करोड़ों करोड़ हिंदू सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाई गई है। जो महापाप किया गया है उसके विरोध में जो प्रसाद में मिलावट की गई है, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली का तेल मिलाकर करोड़ों करोड़ हिंदुओं की जनभावनाओं को आहत किया गया है, उसके विरोध में माननीय गृह मंत्री के नाम ज्ञापन लेकर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं कि जो भी दोषी हो उन पर कड़ी से कड़ी सजा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे आने वाले समय में फिर से दोबारा ऐसे कृत्य ना हो सके, जिससे सनातन की भावनाएं आहत हों और निरंतर आए दिन ऐसी कोई न कोई घटनाएं इन मिशनरियों के द्वारा की जा रही है। इसका हिंदू जागरण मंच के समस्त कार्यकर्ता सर्व हिंदू समाज पुरजोर विरोध करता है, करता रहेगा और जल्द से जल्द अगर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़े आंदोलन के रूप में हिंदू जागरण मंच जो आंध्र प्रदेश में है। हमारा आस्था का प्रतीक तिरुपति बालाजी मंदिर है जो हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। विगत दिनों से ये देखा जा रहा है कि उनकी प्रसादी में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और विभिन्न प्रकार के कुधर्मियों के द्वारा ये इस प्रकार के कृत्य किए जा रहे हैं जिसमें हिंदू समाज और सनातन धर्म को खंडित करने का कार्य किया जा रहा है। तो हम सभी हिंदू भाइयों के साथ में हमने आज उपस्थित होकर प्रशासन में गृह मंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है तो सभी समस्त हिंदू समाज उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। जय श्री राम। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। मध्य प्रदेश सरकार की काफी महत्वाकांक्षी योजना है जन सुनवाई। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में प्रत्येक मंगलवार को ये जन सुनवाई होती है। स्पेशल कक्ष इसके लिए निर्धारित किया गया है। प्रत्येक मंगलवार को बड़ी संख्या में आवेदक यहाँ पर पहुँचते हैं जो अपने आवेदन जिले के मुखिया कलेक्टर सुधीर कुमार गोचर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद विभाग को ये पत्र पहुँचता है और विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि समय सीमा में समस्याओं का निराकरण किया जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये जन सुनवाई आयोजित की जाती है।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी देखी गई। संजय सरवरिया, लखनी से न्यूज। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा अंतर्गत आने वाले चौथा अमेरिकी किसान दमोह पहुंचे। उनका कहना है कि लगातार एमपीबी का तार चोरी हो रहा है। एक गांव से दूसरे गांव का ये तार चोरी हो जाता है, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति ठप्प हो रही है। पहले दो गांव का तार गया था, अब तीसरे गांव का तार भी चोरी हो गया। लगातार चोर इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। इनके द्वारा शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही चोरों के संबंध में कोई शिकायत दर्ज कराई गई। एमपीबी के लोग भी यहाँ पहुँचे थे, आश्वासन मिला था कि वह भी शिकायत करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते ग्रामीण काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? सरपंच प्रतिनिधि ममर था भाई। गांव की विद्युत सप्लाई आठ तार खंभों की छोड़ी है। इसके पहले भी यही घटना घटी, तीन दिन से ग्राम की लाइट बंद। क्या करते हैं ये लोग, कौन है ये? जो सर पता नहीं, ये तो जानकारी नहीं मिल रही, लेकिन रात के बाद डेढ़ बजे लाइट कटी, वही समय तार चोरी हो गया। तार चोरी हो गया, तार चोरी दस खम्भा। कितने पोलों का हुआ है? दस खम्भा भी गिरा है। आपने मतलब एमपीबी में शिकायत की क्या? बताइए साहब से भी जानकारी। नाम है आपका, कहाँ से आए? महंत बारी बंगोरी चौथा। क्या करते हैं आप लोग, क्या हो गया? हमारा किसान है सब लोग, और इसी अब हमारों को सोलह मिनट का कटाई चल रही है। इसके पहले हमारे बमोरी चौथा से ममरखा को तार चोरी हुआ था, उसके बाद में हमारे गांव से सैमरा बुजुर्ग को तार चोरी हुआ था, उसके फिर बाद में नौरू से मारा तक तार चोरी हुआ, तो फिर हमारे यहाँ से सैमरा के लिए दस पुलों का तार चोरी हो गया। हम सब किसान हैं, पानी की पीवे तक की समस्या है, और बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे, गांव में बीमारी पड़ी है, बाल बच्चे कोई उल्टी हो रही, कोई दस्त हो रही है, तो हमारी तत्काल लाइट चालू करी जाए, और जो जो चोर माफिया हैं तार की, इन्हों गिरफ्तार करो। चार बेर जो हो, एक बार बेर को नहीं, चार बार। ग्रामीणों को कब तक बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से मिल पाती है? संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह के तहसील ग्राउंड स्थित मूकबधिर विद्यालय में आज बच्चों के लिए फल वितरित किए। ये वो परिवार हैं जिनके द्वारा वितरित किया, जो वृद्धाश्रम में रहते हैं। वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के द्वारा मूकबधिर विद्यालय पहुंचकर बच्चों को फल वितरित किए। दरअसल दमोह के वृद्धाश्रम में लगातार लोग पहुंच रहे हैं, कई तरह की सामग्री को दान करते हैं। ऐसे में वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के द्वारा अतिरिक्त जो सामग्री रहती है, उसे दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा फल जो है वो वृद्धाश्रम में उपलब्ध कराए थे। वृद्ध ने नहीं खा पाते, काफ़ी कम मात्रा में फलों का उपयोग हुआ था। शेष जो फल रह गए थे, लगातार अलग अलग स्थानों पर जाकर उनका वितरण किया जा रहा है। गत दिवस NRC दमोह जिला चिकित्सालय में ये फल वितरित किए थे। आज वृद्धों के द्वारा पितृपक्ष में विशेष रूप से दमोह के मूकबधिर विद्यालय में पहुंचकर बच्चों को ये फल वितरित किए। बच्चे इन्हें पाकर काफ़ी खुश हैं कि उन्हें वृद्ध जहां आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, वहीं दूसरी ओर फल भी वितरित कर रहे हैं। यहां पहुंचे वृद्धों की कुछ आंखें नम भी नजर आईं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की याद आई, अपने परिवार के बच्चों की याद आई। ऐसे में उनकी आंखों में कहीं ना कहीं आंसू भी थे।
लेकिन बच्चों के बीच उन्हें काफी खुशी मिली। बच्चों के साथ उनके द्वारा वक्त भी बिताया गया। जी अम्मा बताइए, आज आप लोग यहाँ आई हैं क्यों आई? हमें ऐसे आए, यहाँ बच्चे लोग विकलांग बेसहारा है, यहाँ है। हम लोग यहाँ फल वितरण करने के लिए आए, हमारी आत्मा ऐसी थी। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग आश्रम से आए, और सबको अच्छा रखे और आपको भी रखे। बताइए। हाँ भैया, हम वृद्धाश्रम से आए हैं, ये फल वितरण हम लोगों को मिलता है तो हम सोचा बच्चों के लिए, अनाथ है बच्चे, कुछ भी पाल रहे हैं। प्रतिपक्ष में लोगों का हिंदू धर्म के अनुसार मानस होता है कि पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान दिया जाए। हमारे वृद्धाश्रम में दमोह के समाज से भी दानी लोग आते हैं, यहाँ फलों का वितरण करते हैं। तो हमारे यहाँ जो वृद्ध हैं उनकी मंशा होती है जितने फल अधिक हो जाते हैं, तो हम लोग जिला चिकित्सालय में अभी रविवार को NRC में वितरण किया सभी वृद्धों ने जाके, और अब सब वृद्धों ने सोचा इस बार हम लोग मूक बधिर स्कूल में जाके फलों का वितरण करेंगे और उन्हें स्नेह देंगे। और काफी अच्छा लगा एक दूसरे के साथ लोगों को रह के, और काफी बच्चे भी खुश हुए, हमारे वृद्ध भी खुश हुए। धन्यवाद। इस अवसर पर वृद्धाश्रम के वृद्ध एवं स्टाफ मौजूद रहा। संजय सरवरिया, LKDCN न्यूज। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के अवसर पर दमोह के मिशन स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा अपना कार्य किया गया, उनके द्वारा श्रमदान किया गया और अपने स्कूल परिसर के आसपास सफाई भी की गई। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे जिनके द्वारा संपूर्ण परिसर को स्वच्छ रखा गया, श्रमदान किया गया। NSS यही सिखाता है कि ना सिर्फ हमें अपने आसपास बल्कि कई ग्रामीण अंचल में भी लोग पहुँचते हैं, छात्र छात्राएँ पहुँचते हैं और श्रमदान करके सभी को स्वच्छ रहने की प्रेरणा देते हैं। संजय सरवरिया, LKDCN न्यूज। दमोह 68वीं संभाग स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का दमोह में आयोजन किया गया। कई तरह की प्रतियोगिताएं इसमें संपन्न हुई, प्रतियोगियों को सम्मानित भी किया गया। स्कूल शालेय शिक्षा विभाग के द्वारा यह आयोजन किया गया था जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा को नया मुकाम भी दिया। पारंपरिक खेलों से हटकर के और कहना चाहिए कि हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हुए जैसे तीरंदाजी और ताइक्वांडो तो विदेशी खेल है हमारा, फिर भी यहाँ खेला गया, वाटर पोलो खेला गया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ समस्त खेल प्रेमी जगत से जुड़े शिक्षक और बच्चों को। बच्चों में जानता हूँ जो तो खेल खेलता है उसको भारत अच्छे नहीं रहता, इसलिए पीछे से थोड़ी सी आवाज भी आ रही है, लेकिन कुछ साल की बात मैं बताना चाहता हूँ। जीवन ये सारा जीवन ही, इस जीवन का सबसे बड़ा सार क्या है, खेल में क्या है, खेल में जो मिलता है वो है आनंद, और आनंद ही जीवन का सार है। और पूरे जीवन में जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उसमें बचपन सबसे प्रिय होता है, और तुम्हारा बचपन जो है अभी तुम्हारे साथ है, वैसे हम बचपन को कभी नहीं छोड़ते, हम जब बड़े हो जाते तब भी बचपना हमें भरा रहता है, और जब जब हम बचपने में आते हैं तब तब मजा लेते हैं। तो ऐसे ही मजा आप लेते रहना, हमेशा बच्चे बने रहना, सरल सहज सुलभ हो जाना ही संत हो जाना होता है। और जो खेल खेलते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी परिस्थिति कभी उदास नहीं कर सकती, क्योंकि इससे आप में साहस भी आता है, धैर्य भी आता है, मानव जीवन के जो बड़े गुण हैं वो सब खिलाड़ी में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए जीवन भर खेलते रहना, हंसते रहना, बाकी चिंता नहीं करना। जय हिंद, जय भारत। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अभी हमारी छतरपुर की तारीफ हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा।
जैसे वो सभी जीवनदायी के गबन हैं और दबो में आप आए हैं, सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी जो प्रभारी शिक्षिकाएं आई मैडम लोग अभी एन एस ठाकुर साहब उसको मीडिया मंच पर आई थी, वो कह रहे थे कि वो स्टूडेंट थे टीचर, तो जो महिला टीचर आई वो भी बड़ी छोटी छोटी सी आई है, तो है जरूर छोटी छोटी लेकिन दिल उनका बहुत बड़ा बड़ा है, बच्चों को प्रेम दे रही है, बच्चों को सपोर्ट कर रही है, तो सभी महिला शिक्षिकाओं के लिए जरूर ताली बजाई जाए। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। ग्राम सिंहपुर से एक मामला सामने आया जहां व्यक्ति पर हमला किया गया, घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि पीएससी करने के बाद वृद्ध वापस जा रहा था, बीच रास्ते में यह घटना घटित हुई, घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। क्या नाम है आपको? गोविंद हरवा। इनको? अंतु हरवा। कौन है जी आपको? पिताजी। काय पे विवाद हुआ? जो विवाद तो कोई नहीं था, पीएससी करके आए हैं तो बोलने दूसरी पार्टी ने उनको पता नहीं पैसे दिए कैसे दिया था, उनकी तरफ से आके उनने मारपीट शुरू कर दी। कौन है ये लोग जिसने मारा है? बड़े चाचा के लड़के। क्या नाम है? प्रेम हरवा। कहाँ की घटना है? ग्राम सिंहपुर। सिंहपुर। थाना कौन सा लगा था आपको? दोनों जन घायल हो। क्या नाम है आपको? अंशु। इनको ही मारो है? इनको कहा नाम? गोविंद। गोविंद। कौन है जी आपको? जी लड़का है। काय पे बात हो? काम कछु नहीं, हम तो रोटी खा के लाइट चली गई, बाहर में बैठ गया, दारू पी के आओ कल कान मार मूर के बाहर पकड़ बाहर ले गया और दे दे जूता। वो कैसे मारा? पीटी करी जूता चप्पल लाठी से मारा। कहाँ की घटना है ये? अभी 8 बजे रात की। नहीं घटना कहाँ की है? सिंहपुर। सिंहपुर ग्राम सिंहपुर। चंद्रवंशी क्षत्रिय घोसी एकता मंच तेंदुखेड़ा के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें तेंदुखेड़ा जबीरा की बैठक एक साथ संपन्न हुई। 17 अक्टूबर महाराजा गणगौर जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम के संबंध में रूपरेखा तय की गई। घोसी समाज ने एक मुख्य और बहुत ही सराहनीय कार्य करने के लिए प्रेरित किया है कि आने वाली अक्टूबर को समाज के सभी युवा साथी ब्लड डोनेट करेंगे, नगर में जल समारोह मेधावी छात्राओं का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह घोसी पार्षद सामाजिक बैठक की शुरुआत बजराज बंटू भैया के द्वारा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। कार्यक्रम 17 अक्टूबर में जल समारोह है और मंच सभा और सामाजिक सभा का आयोजन किया जाएगा
इसमें सभी समाज के वरिष्ठजन युवा साथियों की उपस्थिति रही और सभी ने अपने अपने सुझाव दिए और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारी समाज ने जो ब्लड डोनेट का कदम उठाया है और ब्लड डोनेट करने के लिए हमारे युवा साथी जो आगे आ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में पधारे सभी युवा साथी वरिष्ठजनों और सम्माननीय दादा आदरणीय गजेंद्र सिंह जोशी जी पार्षद पाटन वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों का मार्गदर्शन किया और हम लोगों के साथ। एक नज़र मुख्य समाचारों पर फिर से। ट्रक की चपेट में आया ऑटो, 8 की मौत, 3 घायल। बड़ी संख्या में जन सुनवाई में पहुंचे लोग। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू विवाद पहुंचा दमोह। हिंदू जागरण मंच ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। दमोह के मूक बधिर विद्यालय पहुंचकर किया फल वितरण। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कम्फर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मी हॉर्स, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।